गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। तो बच्चों, हम साउंड चैप्टर में पढ़ चुके थे कि ईयर के थ्रू ही हमें क्या होता है, सुनाई देता है, क्योंकि हमारे जो ईयर ड्रम है, ठीक है, जो कि एक रबर शीट की तरह होता है, उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचते हैं इनर ईयर के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, हम सुन पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे है, यू हैव ऑल बेसिकली, यहाँ पे हम अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन, ठीक है। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, ठीक है। यानी कि टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई बॉल है, ये आगे स्विंग कर रही है फिर पीछे आ रही है, आगे स्विंग कर रही है फिर पीछे आ रही है, तो ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। और इस मोशन को हम जो बोलते हैं, इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस, आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होता है पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रिक्वेंसी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और जब हम इसको सिंबल से डिनोट होता है तो हम एच और स्मॉल जेड से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ए फ्रिक्वेंसी ऑफ वन हर्ट्ज इज वन ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी होती है एक हर्ट, वो क्या है, वन ऑक्सीलेशन है पर सेकेंड, यानी कि एक ऑक्सीलेशन हुआ है, एक बार चीज आगे गई है पीछे आई है, ठीक है, तो वन ऑक्सीलेशन पर सेकेंड हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, फ्रिक्वेंसी कितनी हुई इसकी, वन हर्ट्ज हुई। अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 बार ऑक्सीलेट करता है, यानी कि 20 बार वो आगे पीछे जाता है, तो उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी आपकी 20 हर्ट्ज, ठीक है। अगर मैं दोबारा आपसे पूछूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 टाइम्स इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में 30 टाइम्स ऑक्सीलेटरी मोशन को शो करता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, कितनी होगी बेटा जी, 30 हर्ट्ज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट 40 टाइम्स ऑक्सीलेट करता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताएंगे, ठीक है। यू कैन रिकोगनाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम, आपने बहुत सारी साउंड सुनी होगी, ठीक है, जो कि उनसे प्रोड्यूस्ड होती है बिना उन्हें देखे भी। हाउ इट इज इट पॉसिबल, और आप कैसे पहचान पाते हैं कि ये साउंड जो है इसकी है, ये साउंड इसकी है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी एक साइड आपकी मम्मी आपको बुला रही है, एक साइड आपके फादर आपको बुला रहे, तो आप कैसे डिस्टिंग कर पाते हैं कि भाई ये मेरे फादर की आवाज़ है, मेरी मदर की आवाज़ है, ठीक है। दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकोगनाइज दैम, ठीक है। इन ये जो डिफरेंट डिफरेंट साउंड है, हम इनको रिकोगनाइज कर पाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक दैम डिफरेंट, क्या आपने सोचा है कि इन आवाज़ को डिफरेंट बनाने में कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। जो एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है साउंड की, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड जो होती है वो डिफरेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, वो डिपेंड करती है कि इसकी कितना एम्पलीट्यूड है और कितनी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को करके देखना, ठीक है। इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या है, एक आपको ग्लास ले लेना है और एक रबड़ की थर्माकोल की बोल ले सकते हैं आप, ठीक है, और उसको इस तरह से आपको टांग लेना है। फिर इस ग्लास पे आपको किसी भी चम्मच या किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको हिट करना है। जैसे आप इसको हिट करोगे तो इसके अंदर वाइब्रेशंस होंगे, तो वाइब्रेशंस के थ्रू आप देखोगे जितने जोर से आप उसको हिट कर रहे हैं, उतनी जोर से वो जो बॉल आपने लटकाई हुई है वो भी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, बेसिकली जब वो वाइब्रेट कर रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉल के अंदर, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज ए मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड, जो ये डिस्प्लेसमेंट है बॉल का वो किसका मेजर है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टम्बलर, ठीक है। ग्लास का जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको, उसके एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं हम इस डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली, फिर आप धीरे से मारोगे उसको तो वो बहुत धीरे 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 क्या होगी, वाइब्रेट करेगी, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा जी, आपका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है।
जितना कम वाइब्रेशन होगा उतना ही कम क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। क्लियर इतनी चीज, क्लियर हो गई इतनी चीज, ठीक है। चलिए, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड, यानी कि लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाए तो लाउडनेस क्या होगी, उसके दो गुना होगी, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन जो लाउडनेस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस हो जाए, ट्वाइस यानी कि दो हो, ठीक है, और लाउडनेस आपको निकालना है, तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी, टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, लाउडनेस कितनी हो जाएगी, फोर फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यानी कि जितना एम्पलीट्यूड होगा उसके डबल आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और लाउडनेस को हम किस में मेज़र करते हैं, डेसिबल में, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी कैपिटल बी से, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगी, यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग का, नॉर्मल ब्रीथिंग कितने कितनी लाउडनेस होती है, बेसिकली उसके होते 10 dB, ठीक है। अगर आप बहुत धीरे 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 बात करते हो तो उसकी आवाज़ कितनी होती है, उसकी होती है 30 dB, जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की ना, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज़ में अगर आप बात करोगे तो उसके होते 30 dB। नॉर्मल कन्वर्सेशन अगर आप कर रहे हो, जैसे मैं आपके साथ मान लो बातचीत कर रही हूँ, तो उस टाइम पे जो बेसिकली होती है वो 60 dB होती है। जब आप सांस लेते हो तो कितनी होती है, 10 dB होती है। बिजी ट्रैफिक, और अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आ जाओ तो 70 dB आपको वहाँ पे लाउडनेस सुनाई देगी। और एवरेज फैक्ट्री की जो होती है वो 80 dB होती है। लेकिन अगर 80 dB से ज़्यादा नॉइस अगर आप सुन लो तो आपके कान फिजिकली आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करोगे अपने कानों में, ठीक है, उस वजह से आपके सर दर्द भी हो सकता है। तो जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है किस पर, एम्पलीट्यूड पे। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, यानी कि जब एम्पलीट्यूड जो है किसी भी वाइब्रेशन का वो बड़ा होता है तो साउंड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है, अगर एम्पलीट्यूड, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इस वाली लाइन को, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल, यानी कि साउंड भी क्या होगी, बहुत कम आपको सुनाई देगी अगर एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। क्लियर आउट इतनी चीज बेटा जी। चलिए, कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट, आपको कंपेयर करना है एक बच्चे की आवाज़ और एक बड़े की आवाज़, ठीक है। क्या इसमें डिफरेंस लगा आपको, दोनों आवाज़ में डिफरेंस है ना, दोनों की लाउडनेस इक्वल तो नहीं है ना, दोनों डिफरेंट है ना। बच्चे देखो कितने तेज चिल्लाते, तो ये क्या हो रहा है, लाउडनेस में डिफरेंस है ना, देखो दोनों की, मेरी अभी जो आवाज़ है वो जो बच्चे की आवाज़ आ रही है, उन दोनों में डिफरेंस हुआ ना। तो हर एक वॉइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। आई वंडर व्हाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर, ठीक है। जैसे कि मेरी आवाज़ अलग है और आप लोगों की आवाज़ अलग है, इसी तरह से जो मेरे टीचर हैं उनकी आवाज़ अलग होगी और मेरी आवाज़ अलग होगी। तो हमारी जो वॉइस है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है, डिटरमाइन करती है कि कितनी पिच होगी, ठीक है। जैसे एम्पलीट्यूड तो बताता है कि भाई कितनी लाउडनेस है, कितनी जोर से कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। एक होती है पिच, ठीक है, कि कितनी तेज इसकी पिच है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है वो क्या करती है, श्रिलनेस को, श्रिलनेस को हिंदी में बोलते हैं कर्कशता, ठीक है, कर्कशता कुछ ऐसा मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। पिच, और जो हमारी पिच होती है वो किसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी के थ्रू करते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की ज़्यादा होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट साउंड इज श्रिल, अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी तो साउंड भी उतनी क्या होगी, श्रिल होगी, ठीक है, उसकी हाई पिच होगी। लेकिन यहाँ पे आप नीचे देखिए, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है तो आप कह सकते हैं कि उसकी पिच भी जो होगी, उसकी साउंड भी जो होगी वो कम होगी, ठीक है। जैसे कि एक ड्रम वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी पर, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस ए लो पिच साउंड, ठीक है। अगर आप इस पर क्या करो, लो वाइब्रेशन करो तो आपको टक 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 लो आ रही है ना, देखो, ठीक है। यानी कि कितना जब कम वाइब्रेट हो रहा है तो कम आपको
फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि कम साउंड की जो पिच है वो आपको सुनाई दे रही है। लेकिन अगर मैं, इस तरह से तेज 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 मतलब बहुत तेज इसकी वाइब्रेशन कर दूं, तो उस टाइम पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी पिच भी आपको ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ए विसल हैज़ ए हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने सुना है सीटी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो हाई पिच हाई साउंड आपको सुनाई देती है उसकी। ए बर्ड मेक्स ए हाई पिच साउंड, जो बर्ड्स भी होती है वो भी क्या करती हैं, हाई पिच साउंड को वो करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। इसी तरह से लायन, लायन की सुनिए आपने, लायन की जो आवाज़ होती है वो लो पिच्ड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लो पिच होती है, उसकी पिच जो होती है वो कम होती है, ठीक है, उसके अंदर लो फ्रिक्वेंसीज होती है। लेकिन अगर आप चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनोगे तो उसकी उनकी हाई पिच होती है, जैसे बोलते हैं ना कि लड़कियों की हाई पिच होती है, लड़कों की लो पिच होती है, मतलब लड़कियों की जो कई बार आपने सुना होगा भाई इसने मेरे कान खा लिए, मतलब चुभने वाली जो आवाज़ हो जाती है कई बार, उसको हम बहुत ज़्यादा हाई पिच बोल सकते हैं, ठीक है। हाउएवर द रोर ऑफ लायन इज़ वेरी लाउड, जो रोर होता है यानी जब शेर जो है वो दहाड़ता है तो बहुत लाउड होता है, और जो साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फीबल, और जो साउंड होती है बर्ड की वो क्वाइट फीबल होती है, वो क्या होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे चा 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 ऐसे क्या करती रहती है, अपनी बातें करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लाउडनेस की बात करोगे तो लाउडनेस बेटा जी किसकी ज़्यादा है, लाउडनेस ज़्यादा है आपके लाइन की, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो बर्ड्स की, तो उनकी जो लाउडनेस, उनकी जो साउंड है वो क्या है, क्वाइट फीबल है, मतलब थोड़ी कोमल है एज़ कम्पेयर टू लाइन, ओके। एवरी डे यू हेयर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस, कैन यू से दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ चाइल्ड इज हायर देन द एंड ऑफ एडल्ट, क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट, बिल्कुल सही है। यूजअली वुमेंस की क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है, इसलिए उनकी पिच भी क्या होती है, हाई होती है। अब आते हैं ऑडिबल एंड अनऑडिबल साउंड्स पर। वी नो दैट वी हैव वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे पास क्या एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जिसके द्वारा क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। कैन वी हियर ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज, क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज को सुन सकते हैं, नहीं। इन फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि जो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज कम होती हैं 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, उनको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं ह्यूमन ईयर, ठीक है। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल, उन आवाज़ों को हम क्या कहेंगे, इनऑडिबल कहेंगे, जो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती हैं 20 हर्ट्ज से नीचे जितनी भी आवाज़ होंगी वो हमें सुनाई नहीं देगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, इनऑडिबल कहेंगे। और कुछ जो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है 20 किलो हर्ट्ज होती हैं, ठीक है, 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड यानी कि 20 किलो हर्ट्ज हैं, वी ऑल्सो नॉट ऑडिबल दी ह्यूमन ईयर, ठीक है, हम उनको भी नहीं सुन पाते हैं, यानी कि जो बहुत तेज़ आवाज़ होती है हम उनको भी नहीं सुन पाते हैं, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज फिर वाली फ्रीक्वेंसीज वाली जो आवाज़ होती है। दिस ह्यूमन रेंज, यानी कि ह्यूमन की रेंज कितनी हुई, ह्यूमन की रेंज होती है 20 to 20 किलो हर्ट्ज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा जी, 20 to 20 किलो हर्ट्ज क्या होती है, ह्यूमन की रेंज होती है, ये आपका MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। सम एनिमल कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, इनके पास क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर की आवाज़ सुन सकते हैं, तो वो किसके पास एबिलिटी होती है, डॉग्स के पास एबिलिटी होती है। इसीलिए जो पुलिस है वो हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल्स, सॉरी द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कांट, इसलिए जो पुलिस है वो हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल्स को यूज़ करती है जिनको कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं, ठीक है। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्स, जो अल्ट्रासाउंड के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड की मशीन देखी होगी कभी भी, अगर आपने देखी है वरना नेट पे देख लेना, तो जो वो चलती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो 20 किलो हर्ट्स से ऊपर होती हैं, इस वजह से वो उनकी हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है, ठीक है। अब आते हैं नॉइस एंड म्यूजिक की, नॉइस एंड म्यूजिक में डिफरेंस क्या है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड सुनी है, ठीक है।
इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, क्या साउंड हमेशा प्लीजिंग होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डज ए साउंड समटाइम्स कोज डिस्कम्फर्ट टू यू, क्या कभी साउंड जो है वो डिस्कम्फर्ट कोज कर देती है आपको? हाँ जी बिल्कुल. कुछ साउंड जो होती है प्लीजेंट होती है ईयर के लिए, और कुछ जो होती हैं वो नहीं, प्लीजेंट नहीं होती हैं. ठीक है, सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन योर नेबरहुड, आपके साइड में क्या हो रहा है, आपके जो नेबर्स हैं उनके घर में काम चल रहा है. आर साउंड कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, क्या वो मधुर आवाज़ होती है? बिल्कुल भी नहीं. क्या आप उस आवाज़ को इंजॉय करते हैं? जो हॉर्न होते हैं बसेस के ट्रक के, क्या आप उन्हें इंजॉय करते हैं? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो इन अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या कहेंगे? नॉइस कहेंगे. ठीक है, जैसे बच्चे जो हैं वो बहुत तेज़ी से क्या करने लगते हैं, क्लास में बातें करने लगते हैं, आप लोग भी करते हैं, फिर टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि भाई चुप हो जाओ, कहते हैं ना टीचर. तो ये क्या कर रहे हो आप क्लास में, क्या कर रहे हो? कहते हैं ना डोंट मेक नॉइस, कीप क्वाइट, कहते हैं ना. तो क्यों कहते हैं बेटा जी? जब आप क्लास में बात कर रहे होते, चाहे खुसर पुसर ही कर रहे होते, लेकिन आप लोगों की फ्रिक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे. अनप्लीजेंट से साउंड क्रिएट हो जाती है वहाँ पर. ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनी है, कितनी मज़ेदार होती है, आपको बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फील होता है म्यूज़िकल साउंड सुन के, क्योंकि वो हमारे कानों में मधुरता घोलती है, मतलब हमें बहुत मधुर मधुर आवाज़ वो सुनाई देने लगती है. जो हारमोनियम है जो साउंड प्रोड्यूस करना, आपने सुना है गिटार सितार इन सब की आवाज़ सुनी है, बहुत ही सुरीली बहुत ही मधुर आवाज़ होती है, जिसे हमें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि म्यूज़िक क्या है और नॉइस क्या है. नॉइस वो है जो कि अनप्लीजेंट वॉइस होती है, मतलब अनप्लीजेंट साउंड होती है, भाई कानों को चुभ रही है भाई. ठीक है, म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक मधुर आवाज़ है, प्लीजिंग वॉइस है, जिसको हम सुनना चाहते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन की. जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है एयर पॉल्यूशन की प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस, अनवांटेड गैसेस की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, एयर के अंदर जब अनवांटेड गैसेस प्रेजेंट हो जाती है उस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. इसी तरह से प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, यानी कि जो एक्सेसिव साउंड होती है, जो अनवांटेड साउंड होती है हमारे इन्वायरमेंट में, वो भी क्या कोज करती है, नॉइस पॉल्यूशन कोज करती है. क्या आप यहाँ पे कोई लिस्ट बना सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन देखते हैं? जैसे कि टीवी की बहुत तेज़ आवाज़ हो रखी है, ठीक है, या आपके आसपास जो बसेज हैं या ट्रक्स जो जा रहे हैं, इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं. ठीक है, मेजर कोज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ नॉइस आर व्हीकल्स. ठीक है, जो मेजर कोज देखा जाता है नॉइस पॉल्यूशन का वो क्या है, जो व्हीकल्स होते हैं उनकी साउंड होती है. ठीक है, या एक्सप्लोजन की जो आवाज़ होती है, क्रैकर्स, या जब आप पटाखे वगैरह जलाते हो, या मशीन चलती है, लाउड स्पीकर्स वगैरह चलते हैं, तो वो क्या क्रिएट करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ होने की वजह से वो क्या क्रिएट कर रही है, अनप्लीजेंट सी साउंड क्रिएट कर रही है, जिसको हम नॉइस पॉल्यूशन बोल रहे हैं. ठीक है, व्हाट सोर्स इन दी होम में लीड टू नॉइस, किस तरह के सोर्सेज जो हैं वो घरों में नॉइस को क्रिएट करते हैं, वो होते हैं आपके टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन एप्लीकेशन, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर, ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉइस पॉल्यूशन. ये सभी क्या करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन में भाग लेते हैं. ठीक है, वट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, क्या हार्म्स होते हैं नॉइस पॉल्यूशन के? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन सराउंडिंग मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, यानी कि अगर इस तरह की एक्सेसिव नॉइस आपके आसपास रहेगी तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएंगी. ठीक है, जैसे कि आपको नींद नहीं आएगी, हाइपरटेंशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर, एनजाइटी, मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स आपको दिखाई देने लगेंगे. मे बी कॉज्ड बाई नॉइस पॉल्यूशन, जो कि नॉइस पॉल्यूशन से भी कॉज हो सकते हैं. पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट ए टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयर ऑफ हियरिंग. अगर वो इसी आवाज़ के बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली क्या कह सकते हैं, कॉन्टीन्यूसली मतलब उसके मतलब बहुत ज़्यादा वो इस तरह की आवाज़ कॉन्टीन्यूसली सुन रहा है तो उसके परमानेंट या टेम्परेरी उसको सुनना बंद हो सकता है. ठीक है, मेजर्स टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन, किस तरह की आप नॉइस पॉल्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उनको लिमिट कर सकते हैं, यानी कि किन सोर्सेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ कैन दिस बी अचीव, हम किस तरह से उनको अचीव करेंगे? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस
मस्ट बी इंस्टॉल इन एयरक्राफ्ट इंजन्स। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट के इंजन्स होते हैं उनके अंदर साइलेंटिंग डिवाइस हम यूज़ करें, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में हम साइलेंटिंग डिवाइस का यूज़ करें, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेज में भी हम क्या करें, साइलेंटिंग डिवाइस का यूज़ करें। ठीक है, हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल इन ए रेजिडेंशियल एरिया, किस तरह से हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं रेजिडेंशियल एरिया में। तो जितने भी नॉइसी ऑपरेशंस होते हैं मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। ठीक है, यानी कि जितने भी नॉइसी ऑपरेशंस हैं वो जो भी रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं उससे थोड़े दूर किए जाएँ। ठीक है, नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज़, यानी कि जो इंडस्ट्री साउंड प्रोड्यूस करती है उनको थोड़ा दूर रखा जाए, जहाँ पे लोग रहते हैं उनसे दूर बनाई जाए, इसलिए इंडस्ट्रीज को शहर से दूर बनाया जाता है। ठीक है, यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज, जो ऑटोमोबाइल के हॉर्न्स हैं उनको हम कम से कम यूज़ करें। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम जो कि बिना बात के ही चल रहा है उसको हम कम वॉल्यूम पे देखें। ठीक है, ट्रीज़ को प्लांट करें रोड्स पे अपने बिल्डिंग के आसपास, तो वो भी क्या करते हैं, पेड़ भी क्या करते हैं, साउंड को कट करते हैं। ठीक है, आपने जैसे आपने देखा है जैसे आपके रूम में क्या है, सामान भरा हुआ है, फील है, मतलब बेड भी है, टेबल है, एक दो सामान और है, चेयर वगैरह रखी हैं, आपने कमरे को फिल कर दिया है समझो। ठीक है, जैसे एक रूम आपका होता है बेसिकली, लेकिन जब आप उस रूम से वो सारा सामान निकाल दो तो आपको सुनाई देगी आपको आवाज़ कितनी अपनी वो लगने लगेगी, बहुत मतलब गूंजेगी आवाज़ आपकी। तो ये भी क्या है, यही तो है, आपकी जो ट्रीज़ है वो यही तो काम करते हैं ना, वो आप एयर तो आपकी प्यूरीफाई कर ही रही हैं लेकिन इसी के साथ साथ साउंड को भी वो कट करते हैं। ठीक है, इसलिए अपने आसपास आपको ट्रीज़ को लगाना चाहिए। ठीक है, और हम इसी वजह से हम क्या कर हम इसी वजह से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट है नॉइज़ पोल्यूशन के उनसे बच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होता है बहुत रियल होता है, यूजुअली फ्रॉम बर्थ इट्सेल्फ। ठीक है, यानी कि बर्थ के टाइम से यूजुअली जो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है बहुत कम होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी जनरली एक रिजल्ट है डिजीज़ का, ठीक है, इंजरी और एज के साथ साथ। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर, यानी कि जिनको इम्पेयर्ड हियरिंग है, जिनको सुनाई कम देता है, उनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। उन्हें साइन लैंग्वेज जो हैं, हाँ एक सेकेंड, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर, यानी कि जो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है बहुत रेयर होती है, लेकिन बर्थ के टाइम पे आपको कई बार आपने ऐसे ऐसे केसेस देखे होंगे कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो पार्शियल डिसेबिलिटी होती है वो जनरली किसका रिजल्ट होती है, डिजीज़ का रिजल्ट होती है, इंजरी और एज का। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर, यानी कि जिनको इम्पेयर्ड हियरिंग होती है उनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के थ्रू ये जो बच्चे हैं वो कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली, उनको साइन लैंग्वेज सिखानी चाहिए। बिकॉज स्पीच डेवलप एज एन डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, ए चाइल्ड विद ए हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा है ये भी हो सकता है कि उसकी जो स्पीच है, बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग। ठीक है, क्योंकि जो स्पीच है, जो आवाज़ है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है सुनने से, तो ये भी हो सकता है कि जो बच्चा है जिसको हियरिंग लॉस है उसके में भी डिफेक्टिव हो स्पीच के अंदर, स्पीच के साथ साथ उनके बोलने में भी इसको कुछ दिक्कत हो। टेक्नोलॉजिकली डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के, वो क्या होते हैं, वो पॉसिबल बना देते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ को इम्प्रूव, किसी भी इंसान की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना या देखा भी होगा कई बार कि जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो उनके कान में मशीन लगाई जाती है उनको सुनने के लिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से उनकी थोड़ी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग इन्वायरमेंट, सोसाइटी को भी क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए अपना आसपास का वातावरण हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों के साथ भी, और एक नॉर्मल लाइफ उनके साथ जीनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने आज इस बार क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने सीखा कि साउंड जो प्रोड्यूस होते वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होती है। ठीक है, ह्यूमन में साउंड, ह्यूमन के अंदर जो वाइब्रेशंस होती है वोकल कोड की, उसकी वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, चाहे वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, लेकिन वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है।
ईयर ड्रम सेंस करते हैं वाइब्रेशन ऑफ साउंड को, इसकी वजह से सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को और हमें सुनाई देता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, क्या इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड को हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो हम किस में मेज़र करते हैं, हर्ट्स में मेज़र करते हैं। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का, उतनी ही तेज क्या होगी उसकी आवाज़ होगी। ठीक है, मतलब लाउडर होगी। हाइयर द पिच, सॉरी हाइयर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की, उतनी ज़्यादा क्या होती है, पिच होती है और श्रिलनेस होती है साउंड में। अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइस पॉल्यूशन। जो एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड होती है उसकी वजह से क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अटैम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन। आपको अटैम्प्ट करना चाहिए कि आप नॉइस पोल्यूशन को कम से कम कर सको। प्लांटेशन करने चाहिए रोड साइड पे, जिसकी वजह से हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच्चा जी चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका नेक्स्ट यूनिट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।